हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज मैं बनाऊंगी आपके लिए बहुत ही क्विक और इजी टी टाइम स्नैक। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा मैगी नूडल का पैकेट। अब बेलन या किसी और हैवी चीज के हेल्प से मैगी नूडल्स का क्रम बना लेंगे। अब हम एक प्लेट लेंगे और उसमें मैगी नूडल्स का जो हमने क्रम बनाया है उसे निकाल लेंगे। इसके साथ जो हमारा मैगी का टेस्ट मेकर है उसे निकाल करके अलग कर लेंगे। अब एक दूसरे बोल में मैगी का टेस्ट मेकर डालेंगे, साथ ही इसमें डालेंगे मैदा। स्वाद के अनुसार नमक और पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। हमारा जो बैटर है वो ना तो ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत पतला होना चाहिए, तो एक मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार है। अब हम लेंगे बॉइल्ड एंड मैश्ड आलू। इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, ये एक मीडियम साइज का प्याज है। इसमें डालेंगे कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। अब इन सारी चीजों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो हमारा आलू का मिक्सचर रेडी है। अब हम एक टेबल स्पून ये मिक्सचर निकालेंगे अपने हाथ में और उसे एक शेप देंगे। यहाँ पे मैं इसे सिलेंड्रिकल शेप दे रही हूँ, आप चाहो तो आप कोई और शेप भी दे सकते हो। इसी तरह हम सारे मिक्सचर को इस शेप में तैयार कर लेंगे। इसके बाद इसे हमें बनाए हुए मैदा के बैटर में अच्छे से कोट करना है और फिर हम इसे मैगी नूडल्स पे डालेंगे और इसको इसमें अच्छे से कोट कर लेंगे। कोट करने के बाद इसे हम 10 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हमें मीडियम हॉट ऑयल का यूज करना है और इसे ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। तो ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो चुका है, इसे हम तेल से निकाल लेंगे। Thank you so much guys for watching the video. I hope you like the recipe. Please do not forget to like and share the video and subscribe to my channel. Thank you so much. See you next time. Bye bye.